नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन की 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पुलिस बहाली की भर्ती को लेकर एक अपडेट दिया गया है। दोस्तों, ये अपडेट 2019-20 की बहाली को लेकर नहीं बल्कि 2009-10 की बहाली को लेकर है। करीब 10 साल के बाद इसकी प्रक्रिया अभी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। इसकी बहाली की प्रक्रियाओं को उस समय नहीं लेकर अब लिए न जाने की बातें की जा रही है, क्योंकि 2019-20 का भी बहाली की प्रक्रिया यहां पे होने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर पटना हाईकोर्ट ने उन सफल उम्मीदवारों की संख्याएं बढ़ा दी है जिनकी बातें की गई थी 2009-10 में। जी हाँ, 2009 के विज्ञापन के तहत राज्य में सिपाहियों की रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रियाएँ जो थी वो 8 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया था। कोर्ट ने कहा है कि अदालती आदेश जो है उसका पालन अगर नहीं किया गया तो, या फिर उसकी अवमानना की गई तो डीजीपी के अलावा जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे दोषी समझा जाएगा। जी हाँ, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, सारी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और कौन से, जी हाँ दोस्तों, कौन सी बहाली है, कब से इसकी वैकेंसी रोकी गई है और कितनी इसकी वैकेंसी को बढ़ाई गई है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। आपको बता दें कि बिहार बुलेट्रॉन का कल एग्जामिनेशन है, तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी अपनी जारी रखी है उन सबके लिए लगातार वीडियोस दिए जा रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर क्यूज के, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये उन लोगों को भी जोड़े जिनका एग्जाम अगले डेट में है, दिसंबर में भी कुछ डेट्स रखे गए हैं, उन तक ये सारे क्यूज सिनेरियो पहुंचना चाहिए। चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इन सबके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि आज की खबर पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश के रूप में सुनाया है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस बहाली की प्रक्रिया को अभी 8 हफ्ते का समय दिया गया है और कहा गया है कि वर्ष 2009 के विज्ञापन के तहत राज्यों में सिपाहियों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया का 8 हफ्ता के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि जो अगर डीजीपी हैं उनको ये आदेश दिया गया है एक्चुअली, और ये अगर इस आदेश की अवमानना करते हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उनको दोषी समझा जा सकता है। दोस्तों, ये इस अपडेट है कि 2009 में विज्ञापन के तहत राज्य में सिपाहियों के रिक्त पद निकाले गए, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि करीब 10,110 यहाँ पे रिक्तियाँ थीं। अब इन रिक्तियों को बढ़ाने की बातें की गई थी कि कहा गया था कि इसमें और रिक्तियां बढ़ाई जाए और इसकी प्रक्रिया को पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार उस समय जो थी उन्होंने 10,110 पदों की ही बहाली ली और जो हाईकोर्ट का आदेश था उस समय का उसको अवमानना करके उसको निरस्त कर दिया गया और ये बहाली की प्रक्रिया नहीं ली गई। लेकिन जो बढ़े हुए पद थे जो उन्होंने कोर्ट ने आदेश दिया था उसका मामला एक बार फिर से उठा है और आदेश पटना कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को दिया है। मुख्य न्यायाधीश अभी न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह तथा खंडपीठ ने यहां रणधीर कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से यह दायर अवमानना अर्जी की सुनवाई की गई है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसके पूर्व आवेदकों के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 12 अगस्त 2014 को अपने आदेश में कहा था कि करीब 10,110 सिपाही उम्मीदवार जो है वो बहाली के लिए जो रिजल्ट इनका होने वाला था 18 दिसंबर को, जी हाँ 18 दिसंबर 2010 को ये रिजल्ट दिया गया था और इसमें करीब 10,110 सिपाहियों की बहाली का प्रक्रिया भी किया गया था। उस प्रक्रिया को बोला गया था कि उसकी सुधार किया जाए, जी हाँ उसमें सुधार की करने की बात की गई और अदालती आदेश के बाद रिजल्ट में सुधार किया गया। सुधार करने के बाद जो सफल उम्मीदवारों की संख्या थी वो 13,468 हो गई। तो ये मामला था दोस्तों यहाँ पे कि जो सुधार किए गए इस 10,110 सिपाही की बहाली में, इसमें बढ़कर ये बहाली हो गई रिक्त पदों की संख्या, जो उम्मीदवार थे जो सेलेक्ट हो चुके थे, ठीक है 13,468 कैंडिडेट, लेकिन इनकी अब तक बहाली नहीं ली गई है। दोस्तों, इन कैंडिडेट का बहाली नहीं लिया गया
जी हाँ, जो बढ़े हुए पद थे यानी रिक्तियां थी उनकी बहाली हुई, उनका सीट भी बढ़ा, उनका जो ज्वाइनिंग करने का आदेश भी दिया पटना हाईकोर्ट ने, लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं पूरा किया गया। कोर्ट ने यहाँ पे फिर से डीजीपी को एक तय सीमा का बहाली प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। ये तय सीमा कब तक की है, तो ये 8 सप्ताह के भीतर। जी हाँ, साथ ही कहा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अधिकारी अवमानना दोषी समझे जाएंगे, और इसके साथ साथ ही कोर्ट इस मामले पे निशापादित करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी सूचना थी जो कि मुझे आप तक पहुंचानी थी, क्योंकि ये बिहार पुलिस की बात है। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी महीने में, और हाईकोर्ट ने फिर से इस फैसले को निकाला है ताकि ये वैकेंसी बढ़ाई गई थी, जो वैकेंसी जो आदेश दिए गए थे हाईकोर्ट के द्वारा, इसको बढ़ाकर फिर से यहाँ पे इनकी बहाली की प्रक्रियाओं को लिया जाए, जो भी इन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इनकी बहाली हो जाए, इनको सिलेक्शन के लिए दिया जाए। क्योंकि आदेश का पालन अगर नहीं किया गया तो जो अफसर ग्रेड के लोग हैं यहाँ पे, उनके ऊपर अवमानना का दोषी समझा जाएगा और उनको सजा भी सुनाई दी जा सकती है। तो पटना हाईकोर्ट के आदेश से ये खबर निकली है, आज की खबर हिंदुस्तान से। सिपाही बहाली की प्रक्रियाओं को समय दिया गया है कि 8 सप्ताह के अंदर पूरी करे डीजीपी। जी हाँ, ये बहाली की प्रक्रिया, ये 2009 की बहाली की प्रक्रिया है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 2019 की बहाली से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनकी बातें रखी गई हैं, और उनका बहाली का प्रक्रिया, उनका सिलेक्शन का प्रक्रिया जो है करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है डीजीपी को। तो दोस्तों, ये खबर दी गई है आज के हिंदुस्तान से खबर से, तो ये खबर मुझे आप तक पहुँचानी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। जैसे ही इसका ऑफिशियल अपडेट आएगा, मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके आपको सारी डिटेल अप टू डेट करता रहूँगा। और 2019 और 20 की लिए जो बिहार सिपाही की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उन सब के लिए सुबह में 11 बजे हमारे चैनल YT एजुकेशन पे उनकी क्लासेस दी जा रही हैं, तो उसको अटेंड जरूर करें आप लोग। जैसे ही आप YT एजुकेशन चैनल को ओपन करेंगे, ये कुछ इस तरह का खुलेगा। चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जा सके। दोस्तों, बिहार दरोगा से रिलेटेड शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में एक क्लास चलता है आपका, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का सिनारियो दिया जा रहा है। उसके अलावा बिहार पुलिस जो सिपाही कांस्टेबल और होमगार्ड और आपके ड्राइवर के पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आपको ये वीडियो दिए जा रहे हैं सुबह के 11 बजे। तो ये वीडियो जरूर देखें आप लोग, यहाँ पे सिपाही से रिलेटेड वो सारे प्रश्नोत्तर दिए जा रहे हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं 2019 और 20 के लिए। इसके लिए आपको इसके PDF को अगर चाहिए इसका PDF, तो आप हमारे YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे देखिए। आप जैसे ही अबाउट वाले सेक्शन में आइएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपको अबाउट वाले सेक्शन में टेलीग्राम का यहाँ लिंक दिख जाएगा। आप यहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम पे सीधे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर वीडियो का PDF आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो इन सभी प्रश्नोत्तर के मिलने का। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप हमारे साथ जुड़े जल्दी, और कोई भी अगर डाउट होता है इन सभी खबरों से या फिर इन सभी के क्वेश्चनार से, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये खबर थी आज के यहाँ से जो कि अपडेट मैंने दिया है। तो जो भी आपका डाउट होता है आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और एजुकेशन की 86 के चैनल पे जाएंगे आप यहाँ से टेलीग्राम पे, और ये प्लेलिस्ट वाला जो सिस्टम है यहाँ पे आप जाके इसका पहले फोल्डर देख लीजिएगा। सारा PDF आप वीडियो जो है, एक वीडियो को प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपको ब्लेट्रॉन के कंप्यूटर क्यूज़ का, इसका PDF आप YT एजुकेशन पे टेलीग्राम पे जाके, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन की 86 के टेलीग्राम चैनल पे जाके आपको यहाँ से सारा PDF भी मिल सकता है। तो अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे आप, वहाँ पे भी आपको लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के, तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट इसके PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल में पहले उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देन उसके बाद इस लिंक को फॉलो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर
कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना कर लीजिएगा, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।